एक क्रांतिकारी जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने विलासिता को ठुकराकर आज़ादी की कठिनाइयों वाला क्रांतिकारी रास्ता चुना। अनेकों आंदोलनों में लेखक, विचारक, संगठक, सिद्धांतकार, प्रचारक और काकोरी से लाहौर तक कई क्रांतिकारी कार्रवाइयों में शामिल होने के बावजूद वे न कभी पुलिस के द्वारा पकड़े गए और ना ही किसी अदालत ने उन्हें कोई सजा सुनाई। ये महान सेनानी थे भगवती चरण बोहरा, जिन्होंने नौजवान भारत सभा जैसे क्रांतिकारी दल की शुरुआत की। उनके अंदर साहस और देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी थी कि बम धमाके द्वारा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाकर उसकी हत्या करने की योजना बना ली और ट्रेन में विस्फोट करने में सफल भी रहे, लेकिन वायसराय बच गया। भगवती चरण बोहरा ने पकड़े जाने के डर से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी कभी नहीं रोकी और आखिरी सांस तक देश को आज़ाद कराने के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। एक बार उन्होंने योजना बनाई कि लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को सुनवाई द्वारा मृत्युदंड की सजा पर जब तीनों को लाहौर जेल से कोर्ट ले जाया जाएगा, उस समय अचानक हमला कर तीनों को छुड़ा लिया जाए। इन तीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया जाता था, इसलिए इस हमले के लिए बेहद तकनीक वाले और ज़्यादा शक्तिशाली बमों की आवश्यकता थी। बोहरा बम बनाने में माहिर थे और उन्होंने नए बम भी बना लिए थे। पुलिस बल पर हमला कर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छुड़ाने से पहले उन्होंने बम का परीक्षण किया, पर वह विफल हो गए। बोहरा शहीद हो गए। देशभक्ति का ऐसा जुनून कि मरते वक्त भी उन्होंने अपनी मौत का दुख नहीं किया, बल्कि दुख तो इस बात का था कि उनकी यह शहादत उनके दोस्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचाने में काम नहीं आ सकी, जिनके लिए वे इस बम का परीक्षण कर रहे थे।